नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ खजुराहो के दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल वे यहां पर खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भोपाल में माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही थी और इस सिलसिले में भोपाल, इंदौर सहित कई जगहों पर माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। छतरपुर में भी इसका असर देखने को मिला है। कलेक्टर मोहित बुंदस ने जानकारी देते हुए बताया कि हर तरह के माफियाओं से निपटने के लिए प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं एसपी तिलक सिंह का भी कहना है कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया है कि वे हर तरह के माफियाओं अपराधियों पर शिकंजा कसें। छतरपुर जिले में सर के निर्देशानुसार हम लोगों ने भी हम लोग वैसे तो लगातार कार्रवाइयाँ कर ही रहे हैं, बट क्योंकि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आए हैं तो हम लोगों ने इसकी भी मीटिंग भी करी थी, डिस्कशन किया है। हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और हम कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करेंगे। जिले में किस तरह की माफिया अधिक कर पाए जाते? माफिया तो किसी भी चीज़ में हो सकता है। भू माफिया हो सकता है, माइनिंग का माफिया हो सकता है, लिकर का माफिया हो सकता है, और भी कई तरह के माफिया होते हैं, वो हो सकते हैं। जहाँ पर भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिस भी रूप में होगा, हम उसको उस पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करेंगे। इधर छतरपुर में भी मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी थाना प्रभारियों को, सभी राजपत्र अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने थाना क्षेत्रों में एक समीक्षा करें कि कौन भूमाफिया हैं, कौन गुंडे हैं जो कि दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। ज़्यादातर छतरपुर में इसी तरह की जानकारियाँ मिलती हैं कि दूसरों की ज़मीनों में दादागिरी से कब्जा कर लेते हैं या उनसे पैसा लेते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ दो दो तीन तीन बार कर देते हैं। तो इसको समीक्षा की जा रही है, हर थाने में एक सूची बनाई जा रही है और जिला प्रशासन के साथ में मिलकर के फिर कार्य योजना को कार्यान्वित करेंगे। निश्चित तौर से जनता को राहत मिलना चाहिए और मिलेगी। इससे एक गुंडे बदमाशों, भू माफियाओं में एक डर का माहौल पैदा होगा और समीक्षा करने में जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां हम सब लोग कार्रवाई करेंगे।